नमस्ते जय श्री राम। दो दिन पहले एक ट्वीट आता है जिस ट्वीट में ये लिखा होता है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और मैं किसी से झुकूंगा नहीं। अब महाराणा प्रताप कौन थे और जिस ट्वीट को मनीष सिसोदिया ने किया है वो मनीष सिसोदिया कौन से महाराणा प्रताप के वंशज हैं, इसकी पड़ताल हम करते हैं परत दर परत। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि वो महाराणा प्रताप कौन थे और जिनके वंशज मनीष सिसोदिया अपने आप को बता रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया कौन है। मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी की एक टीम इस विषय में लग जाती है कि मनीष सिसोदिया राजपूत है। मनीष सिसोदिया जब 2014, 2015 और 2013 और 2020 में इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन लड़ने के टाइम पे अभी भी एक बार जनता के बीच में जाकर ये नहीं बोलता कि मैं सिसोदिया वंश का राजपूत हूँ, मैं महाराणा प्रताप का राजपूत हूँ, मुझे केवल राजपूत ही वोट दें, ये एक बार भी नहीं बोलता। मनीष सिसोदिया को मंत्रालय मिल जाता है तब भी मनीष सिसोदिया एक बार नहीं बोलता है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। मनीष सिसोदिया शराब बेचता है तब भी एक बार को नहीं बोलता है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। मनीष सिसोदिया अपनी सफलताओं को गिनाए जाता है तब मनीष सिसोदिया कभी भी महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेता, कभी राजपूत का नाम नहीं लेता, कभी सिसोदिया वंश का नाम नहीं लेता। परंतु जब मनीष सिसोदिया के ऊपर एक जांच कमेटी बैठती है नशे के व्यापार करने के रूप में, नशे को गलत तरीके से बेचने के रूप में पकड़े जाते हैं, तब वो एक सिलसिलेवार रूप से पूरी आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया इस बात को प्रचारित करने में लग जाती है कि मैं राजपूत हूँ। अब आप लोग ध्यान देंगे कि ये इससे पहले राजपूत क्यों नहीं थे, और जब हम केवल मनीष सिसोदिया की ही बात करें और मनीष सिसोदिया के ऊपर जब हम बात करते हैं केजरीवाल को, तो 2015 का आपको वो इलेक्शन याद होगा जिस इलेक्शन में बात चल रही होती है व्यापारी वर्ग का। तो केजरीवाल कहता है कि मुझे, मैं व्यापारी या बनिया या अग्रवाल समाज से हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी का यहीं तक नहीं रुकता, जब भी इनको लगता है कि मैं कहीं फंस रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर जांच बैठ रही है, तब ये जातिवाद का उपयोग करते हैं। आप ध्यान करेंगे यही मनीष सिसोदिया है जब एक फिल्म आई थी पद्मावत, और पद्मावत का राजपूतों ने विरोध किया था, और मनीष सिसोदिया ने उस समय, आज तक का ये स्क्रीनशॉट है और इसके स्क्रीनशॉट में ये पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा कि मनीष सिसोदिया ने कहा था मैं राजपूतों का बहिष्कार करता हूँ, मैं राजपूतों का बहिष्कार करता हूँ, मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं किसी प्रकार के जाति को बढ़ावा नहीं देता। और आज वही आम आदमी पार्टी है, वही केजरीवाल है, वही मनीष सिसोदिया है जो भरपूर जाति की राजनीति करती है, भारत को जाति में बांटना चाहता है, लोगों को, हिंदुओं को जाति में बांटना चाहता है। और क्यों, जबकि सबको पता है गुजरात में इलेक्शन है और गुजरात में राजपूतों की संख्या अच्छी है, और उसी कारण से जैसे इनको लगा इन्होंने बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मैं राजपूत हूँ इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप कौन थे? आप लोग ही बताएं महाराणा प्रताप कौन थे। महाराणा प्रताप वही थे ना जिन्होंने विधर्मियों से कभी भी उनकी पराधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने घास की रोटी खाई, जंगलों में रहे, वनों में भटके, परंतु कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी उन्होंने जालीदार टोपी नहीं पहने, कभी भी उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। परंतु जब मनीष सिसोदिया कहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और मैं राजपूत हूँ, तो राजपूतों का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? महाराणा प्रताप का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? महाराणा प्रताप के लिए जब आप महाराणा प्रताप के वंशज की बात करते हैं तो उनकी छवि धूमिल करने की इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? मनीष सिसोदिया यहीं तक नहीं रुकते, उन्होंने किसी क्रांतिकारी तक, आम आदमी पार्टी ने किसी क्रांतिकारी तक को भी नहीं छोड़ा है। आपने देखा होगा केजरीवाल ने, वो आज तक का वो एक इंटरव्यू था पुण्य प्रसून वाजपेयी के ऊपर जिसमें वो कहता है बहुत क्रांतिकारी ये वाला डायलॉग लगाना, और उसमें भगत सिंह को बदनाम करते हैं, और ये मनीष सिसोदिया इससे कुछ दिन पहले ही कहता है मैं भगत सिंह का वंशज हूँ। तो पहले आम आदमी पार्टी वालों तुम तय तो कर लो, तुम किसके वंशज हो? तुम मुगल के वंशज हो, तुम भगत सिंह के वंशज हो, तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो? आप लोगों में महाराणा प्रताप और भगत सिंह के कोई भी अंश तो नहीं दिखते, परंतु अकबर और औरंगजेब के अंश और उनके वंशजों के अंश होने के पूरे पूरे प्रमाण मिलते हैं। ये आपने दिल्ली में दिया है, दिल्ली में आपने दंगाइयों को अपने गोद में बिठाया है, केजरीवाल से लेके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने दंगाइयों का साथ दिया। और सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि 48,000 रुपये आप मस्जिदों को दिल्ली में हर महीने तनख्वाह देते हैं,
हर महीने उनको सैलरी देते हैं। वो 48,000 किस रुपये, किस लिए मनीष सिसोदिया, किस लिए राजपूतों के वंशज, आपसे राजपूत ही पूछ रहे हैं, किस लिए महाराणा प्रताप के वंशज, बताओ ना। वो 48,000 रुपये, और आपको पता है उन मस्जिदों में से रोज के रोज नए मौलाना, नए मौलवी पकड़े जाते हैं। किस लिए पकड़े जाते हैं? आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं वो। मारो काटो उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो, और उसी मस्जिदों को आम आदमी पार्टी सरकार, पूरी सरकार उनको 48,000 रुपये सैलरी देती है। अब आप लोग बताएं कि कौन है महाराणा प्रताप के वंशज? ये आम आदमी पार्टी महाराणा प्रताप के वंशज वाले हैं या औरंगजेब अकबर के वंशज वाले हैं, ये तय करना अब मुश्किल नहीं रह गया है। आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी होड़ लगी है। आपने हिंदू त्योहारों पे इनको कभी नहीं देखा होगा, ये तिलक लगा के आए हो या फिर पूजा करते हुए आए हो, कभी नहीं देखेगा। परंतु मुस्लिम त्योहार जब आते हैं तो ये मुसलमानों से भी बड़ा मुसलमान बनने के इनके बीच में होड़ लग जाती है। आप ये पिक देखिए, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो मानसिक रूप से अपने आप को भारतीय नहीं मानते, भारत से नफरत करना उनका पहला कार्य है। जब तक वो उपराष्ट्रपति रहे तब तक उनको भारत में डर नहीं लगा, जिस दिन वो उपराष्ट्रपति पद से हटते हैं उसी दिन उनको भारत में डर लगने लग जाता है, मुसलमान उनको असुरक्षित लगने जाता है, और उनके ऊपर कई आरोप हैं कि उन्होंने विदेशों में अपने देश के गुप्तचरों को मरवाया भी है, ये उनको पर आरोप है। और उन्हीं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ बैठे हुए जो कि मुसलमान है जाति से, जन्म से, और उन्होंने टोपी नहीं लगाया है। परंतु आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में एक होड़ लगी है कि कौन बड़ा मुसलमान, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, ये भी तय कर सकते हैं कि महाराणा प्रताप के असली वंशज कौन है। ये महाराणा प्रताप के वंशज कहते हैं, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं या अकबर औरंगजेब के वंशज हैं। हिंदुओं के त्योहारों को दमन करना, छठ पूजा, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, सब पे रोक लगाना, इन औरंगजेबों का काम था। परंतु उसी बीच में यदि ईद आती है कोरोना काल में तो उसको पूर्ण रूप में छूट दी जाती है। तो आप क्या मानेंगे इसको, ये औरंगजेब के वंशज हुए या महाराणा प्रताप के वंशज? मेरा बस आप लोगों के सामने इस विषय को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि ये विषय आप लोगों तक आए और आप लोग तय करें कि जो आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि वो महाराणा प्रताप के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है, वो किसके वंशज हैं? वास्तव में वो भगत सिंह के वंशज हैं या औरंगजेब के वंशज हैं या अकबर के वंशज हैं? ये अब आप लोग लिख के भी भेजें ताकि सबको पता रहे। नमस्ते, जय श्री राम।